साथियों, मैं भरत वानिका इंडियन सोशल वॉइस न्यूज के माध्यम से लगातार रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जन समस्या यात्रा साइकिल के माध्यम से निकाल रहा हूँ। अभी मेरे साथ दो युवा भाई जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई सर। नमस्कार जी। आप शुभ नाम? सोनाराम कोली। सोनाराम जी, राजस्थान में बेरोजगारी, जैसे गहलोत सरकार दावा कर रही है कि भाई बेरोजगारी मिटाई है हमने और राजस्थान को पहले नंबर पे हमने जो रोजगार दिया है, क्या ये धरातल पर कितने बेरोजगार हैं? आज तक न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, बेरोजगारी की संख्या भीड़ मची हुई है। मेरी बात सुनो, भले बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई मिटी नहीं है बेरोजगारी। अब जैसे युवा किसी संविदा कर्मी में बैठे, कोई उसने 8 साल निकाल दी, 10 साल निकाल दी, 5 साल निकाल दी, बीएड कर दी, क्या नौकरी की कोई संभावना है? गवर्नमेंट से आस लगा के बैठ रहे हो, 8-10 साल हो गए लेकिन कहां अभी तक नौकरी मिली भी कहां? कहीं को मिली, कहीं को नहीं मिली, ऐसी चल रही है। इस तरह की व्यवस्था हालत है। जैसे पेपर लीक हो जाते हैं जो पढ़ के तैयार होता है उसकी फिर उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बेचारा जो रात दिन मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाता है और बिना पढ़ा लिखा आदमी आगे चला जाता है ये पेपर लीक के मामले में। तो मतलब ये युवा तो फिर पढ़ लिख कर इतनी तैयारी करते हैं, फिर चंद लोग पूंजीपति लोग जो अमीर लोग है वो पैसा से पेपर खरीद के फिर उनका तो भविष्य फिर सुधार लेते हैं, और बेचारा जो गरीब परिवार से बच्चे वो बिना मतलब पैसों की वजह से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से सिलेक्शन होने देते नहीं पेपर लीक की वजह से। आपको मैं बताऊं कि जो बंदा 35 साल तक ट्राई करता है नौकरी की पढ़ाई के, बीएड करके सब कंप्लीट कर देता है, फिर उसके बाद में नौकरी नहीं लगती तो फिर उसकी हालत क्या है? बिल्कुल, उसकी हालत हो जाता है, कोई उसका सहारा नहीं होता, आगे जाने आगे खाई पीछे वाली बात हो जाती है, वो मारवाड़ी का क्योंकि मतलब वो न तो कोई ऐसा कृषि कार्य कर सकता है और नहीं कोई बाहर जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल। मतलब राजस्थान में बेरोजगारी तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ी हुई है। पढ़े लिखे युवा है वो भी दर दर की ठोकरे खा रहे सर, पढ़े लिखे बेचारे घूम रहे हैं। और जो बेरोजगार भत्ता है राजस्थान सरकार दे रही है जो कॉलेज छात्र है, क्या वो धरातल पर लोगों को मिल रहा है? जो बच्चों जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उसके भी कई प्रकार के डॉक्यूमेंट की वजह से बच्चों को, ये बात सही है आपकी, क्योंकि धरातल पे इतने वेरिफिकेशन कर दिए तो उसकी वजह से नहीं मिल रहा है, हर एक को नहीं मिलता, हर एक को नहीं मिल पा रहा है। सही बात। आपका शुभ नाम सर? प्रवीण कुमार। क्या काम करते हैं? बस बेरोजगार हैं, पढ़े करके बेरोजगार जी, बीएड करते हुए बेरोजगार है। कब लागे नौकरी? अभी तो सरकार वो इलेक्शन में जाइए, अभी तो भर्ती कोई संभावना नहीं है। मतलब जैसे मान लो पढ़े लिखे सब अपने कर दिया, ठीक है, फिर नौकरी की आस में चलो अच्छी बात है, कोई अपन पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है नौकरी की तो आस रखते हैं, आस तो रखते हैं लेकिन क्या करें, पेपर लीक हो जाते हैं उसी टाइम। फिर जैसे मान लो अपन मीडियम क्लास गांव से होकर जाते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, एक बंदा जैसे जोधपुर सेंटर है, मान लो जयपुर सेंटर है, कितना खर्चा होता है एक पेपर का? कम से कम 4-5 हजार हो जाता है, 4-5 हजार आने जाने। फिर आपके न्यूज मिलती है दूसरे दिन या उसी दिन कि पेपर लीक हो गया, फिर आपको क्या लगता है? सब अरमानों पे पानी फिर जाता है, क्या करें, अरमानों पे पानी फिर जाता है, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर किसको बताए, और निराश हो जाता है बिल्कुल। और अपने ये जैसे लोकल बात करें, जैसे बंदे की 25 या 30 के बीच में शादी हो जाती है, जी हो जाती है, ज्यादातर हो जाती है, फिर उसकी गृहस्थी का भी जीवन होता है, फिर वो 35 तक वो घिसता नौकरी नहीं और ये पेपर लीक होते रहते, मान लो योग्य आदमी वो भी पीछे रहता, वो भी पीछे रहता, फिर ना घर का ना घर का बनकर रह जाता है, ये स्थिति है। फिर तो ये इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे तो फिर पढ़ाई की ओर तो युवा ध्यान नहीं देगा, ध्यान फिर बेरोजगार होकर गुजरात महाराष्ट्र उसकी तलाश करेगा। यहाँ तो अपने क्षेत्र या राजस्थान में इतना बड़ा कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और जैसे प्राइवेट स्कूलों की तरफ पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई अच्छा मिलता है पैकेज या नॉर्मली रहता है? नॉर्मली मिलता है, 4-5 हजार रुपए मिलता है, उससे तो थोड़े गुजारा नहीं होता है, वो तो किराए में ही चले जाते हैं। पेपर माफियाओं के विरुद्ध यदि सरकार सही कार्रवाई करे, यदि किसी के बेकावे में नहीं रहे तो राजस्थान के युवाओं का भविष्य वो सुधर सकता है। हाँ बिल्कुल सुधर सकता है। अभी अभी सरकार के पास जैसे मान लो दिसंबर के बाद सुना है शायद जनवरी में हो जाएंगे, पर जो पेपर लीक है या तमाम मुद्दे पर है कोई ठोस वर्दूत सरकार ने निकाला या नहीं? कोई नहीं निकाला, जो पिसता है वो पिसता रहेगा, वो ऐसे ही पिसता रहता है बस। फिर जैसे मान लो आजकल युवा है ज्यादातर पढ़ाई छोड़ रहे हैं पेपर लीक होने के बाद। हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं। हाँ। प्राइवेट जॉब की प्राइवेट सेक्टर की ओर जाने की तैयारी करके बैठ करके पढ़ने से तो कोई भला होने वाला है नहीं, पेपर लीक होते रहेंगे तो पढ़ने वाला बच्चा पीछे रहेगा,
न तो नौकरी मिलेगी न रोजगार करेगा, इससे बेटर है कि प्राइवेट सेक्टर में जाए। बाकी वहाँ फिर परिवार के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, परिवार की उसकी शादी भी हो जाती है, ये प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम बाद कई प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है, अगर रोजगार नहीं होगा तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। सही बात है। नमस्कार साथियों, कैमरामैन अल्पेश दया के साथ भरत वाणी का इंडियन सोशल वॉइस न्यूज़।